हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको आरसीएम, एक नया बिजनेस है जो कि आप पे अपना कोई भी चीज़, घरेलू का चीज़ आप खरीद सकते हैं इसके दुकान से, और कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में भेजता है। अगर आपके नीचे कोई जुड़ता जाता है तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, www.rcmbusiness.com पे जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कैसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद इसका देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, और एक बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें आईडी नंबर, जो आपका आईडी नंबर मिलता है वो आईडी नंबर यहाँ पे टाइप करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ से लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद आप सबसे पहले अपने होम पेज पे आते हैं। होम पेज में आपका नाम यहाँ पे दिखाता है, इसके बाद से कह रहा है योर केवाईसी इज ओके, यानी कि आप जो केवाईसी भेजा जाता है, क्या ये आपका केवाईसी ओके है कि नहीं ओके है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो परचेज अमाउंट है 2000 सितंबर में 2015, यहाँ पे अभी मैंने 109 रुपये की खरीदारी इसमें किया हुआ है, तो आप कितने रुपये खरीदे हैं, कितना आपका बीबी बना, यानी बिजनेस वैल्यू कितना आपका बना, यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे कर रहा है योर बिजनेस, आपका इस महीने का बिजनेस कितना हुआ, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पता कर सकते हैं कि मेरा जो बिजनेस बना है 2601 रुपये, ये यहाँ पे हमारा बिजनेस बना है अभी आपका सितंबर का। अगस्त का देखना है तो अगस्त पे आएंगे, यानी कि जो पिछला महीने था, यहाँ पे 6809 रुपये का हुआ था। ऐसे जुलाई है, इस तरीके से आप सारा अपना देख सकते हैं। ये आपका लेग बता रहा है कि आपका पहला लेग ये है और दूसरा लेग ये है। आपके पहले लेग का बिजनेस वैल्यू आपका अगस्त में इतना था, और दूसरे जो आपका सेकेंड लेग है उसका बिजनेस वैल्यू आपका इतना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये पता कर सकते हैं। तीसरा योर बिजनेस हो गया, तीसरा योर ग्रुप। आप जब योर ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपके नीचे कितने कितने लोग हैं, आप प्लस करते जाएंगे और अपने नीचे कितने लोग हैं आप उन्हें जान पाएंगे। आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके नीचे हैं। तो मैं आप सारे प्लस नहीं करूँगा, आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने जो ग्रुप होता है उसको कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड है, जब आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो आपका एक कार्ड यहाँ पे इशू हो जाता है जिसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और ये आरसीएम का एक कार्ड है जो आपका डायरेक्ट सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ये सारे चीज़ें यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर जो है टीसी छापड़ा जी का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरनेट पे शो करेगा। प्रिंट दिस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इसे प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। मंथली स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करके आप पता करेंगे कि आपका महीने का कमीशन कितना बना। इस पर मैं क्लिक नहीं करूँगा, आप इस पर क्लिक करके अपना कमीशन चेक कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और कह रहा है आपका अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर नया पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर नए पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेगर व्यू है जिसमें आप पता पाएंगे कि कितने रुपए अभी तक आप इस आरसीएम बिजनेस से पा चुके हैं। बाइक बुकिंग यानी टीवीएस मोटरसाइकिल से आरसीएम क्या अथॉराइज है, अगर आपको टीवीएस मोटरसाइकिल यहाँ पे ऑनलाइन परचेज करना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्री चार्ज परचेज है, यानी न्यूट्री चार्ज की जो गोली आप यूज करते हैं, कब कब आपने यूज किया है, इस महीने कितनी बार आपने खरीदारी की है, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्री चार्ज ग्रुप बीवी, यानी आपके ग्रुप में कितना आपका बिजनेस हुआ है, ये भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और डायमंड क्लब यहाँ पे है जिसका एक स्कीम है जिसको आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट होने के बाद आपका पूरा देखिए, यहाँ पे आपका लॉग आउट हो गया। यदि किसी को मेंबर बनाना है तो कैसे आप मेंबर बना सकते हैं, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म टू बिकम अ डायरेक्टर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने जिसके नीचे डालना है आपको स्पॉन्सर का आईडी यहाँ पे डालेंगे। आईडी डालने के बाद नीचे उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा, फिर प्रपोजर जो है उसका भी आईडी यहाँ पे डालेंगे, उसका भी नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा।
फिर जिसके नाम से आप भरते हैं फॉर्म, आप सारे कैपिटल लेटर में यहाँ पे आप उनका नाम, उनके यहाँ पे पिताजी का नाम या उनके फादर वहाँ हस्बैंड के नाम अगर औरत हैं तो, और नीचे आप यहाँ पे किसको ये नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे उनका एड्रेस टाइप करना है, यहाँ से उनका स्टेट किस स्टेट में रहते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील पोस्ट सिटी पिन कोड उनका, लैंडलाइन फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, कोई अदर फ़ोन नंबर है तो अदर फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे आप दे सकते हैं, और क्या क्या आईडी प्रूफ है यहाँ पे क्लिक करके आप जो जो आईडी प्रूफ उनका है वहाँ पे आप आईडी प्रूफ आप चूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में क्या इनके पास है ये यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, और आपका बैंक डिटेल कौन से बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ब्रांच यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद से आपका ब्रांच का नेम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, फिर अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है और जो पैन कार्ड का नंबर होता है उसको, और उनका पासवर्ड, फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है और नेक्स्ट कर इसको जो इनका टर्म एंड कंडीशन है उस पर टिक लगा के आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक आपको उसका एक कैप्चा कोड पूछेगा, कोड को एंटर करके आपको जो सबमिट करेंगे तो आपका एक रेफरेंस कोड मिलेगा जो 10 डिजिट का होगा जिससे आप खरीदारी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कैसे आप ऑनलाइन इसे यूज कर सकते हैं और किसी को ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने RCM के बारे में ऑनलाइन यूज करना सीखा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।